वेलकम टेक बड़े गुरु, मैं आपका विकास, आप इन्वेंशन लाइफ स्वागत करता हूँ। तो ऑल दी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आपके लेटेस्ट एक जॉब आई है अप्रेंटिसशिप की। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपकी ट्रेड हो आपके पास, जो कि हमारे चैनल से तैयारी करते हैं कोपा और आपके फिटर के स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और गवर्नमेंट आपकी अप्रेंटिस है और कुछ जॉब्स अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 10th 12th ग्रेजुएशन और आपके कंप्यूटर टेक्निकल के संबंधित आपकी होंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा है किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि DRDO की है, जिसमें आपको इस बार कोपा की भी अप्रेंटिसशिप आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए और होना चाहिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होगी लोकेशन होगी इसकी अवधि चेन्नई में। अब इसमें 12 ट्रेड हमारे पास अवेलेबल है, टोटल 116 इसमें पोस्ट है। कारपेंटर की आपकी दो है, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा के स्टूडेंट के लिए 23 वैकेंसी है, बहुत अच्छी मात्रा में है। अगर इसमें देखते हैं अभी नीचे क्या है पेपर का है कि आपको मेरिट बेस पे वो आपको बताते हैं। और ड्राफ्टमैन की 5 है यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 है, फिटर की भी अच्छी खासी है, 33 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 11 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5, पेंटर की 2, प्लम्बर की 2 और टर्नर की 5 है, और वेटर की 6 है। ओवरऑल आपकी 116 वैकेंसी है, बाकी वो घट बढ़ सकती हैं जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। और क्वालिफिकेशन बेसिकली आपके पास होना चाहिए ITI पास आपका होना चाहिए कहीं से भी, और ये जो ट्रेड है वो आपके पास बेसिकली मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट जो रखी गई है 18 से आपकी एज लिमिट रखी गई है और 27 साल आपकी दी गई है, तो इससे बढ़िया और की बात होने सकती है। ST/ST के लिए 32 साल, OBC के लिए 30 साल, तो ये सबसे अच्छी वैकेंसी है। अभी तक की जो वैकेंसी थी आपकी 18 से 24 25 तक आपकी सिमट जाती है, लेकिन इसमें आपको जनरल के जो है वो 27 तक का दिया गया, OBC का 30 और ST/ST के लिए 32 साल तक के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग जो है आपके अकॉर्डिंग NCVT की जो रूल है उसके अनुसार होगी, उसके लिए आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो आपको इसमें वेरिफिकेशन होंगे किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पे आपका दिया गया है, OBC की सर्टिफिकेट या ST/ST की सर्टिफिकेट जो भी है आपका, वो सारा वेरिफिकेशन होगा आपका इस वेबसाइट से आपका किया जाएगा। तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई उसको आप देख सकते हैं। ओनली अप्लीकेशन जो सबमिटेड होगी वो ऑनलाइन होगी, जिसका फॉर्म ये अवेलेबल है, मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा उसको आप देखें। नो मोर वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट एलिजिबल, इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं चाहिए बेसिकली। और इसमें है 10th है, 10+2 की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, कास्ट है और आधार कार्ड इसमें आपका लगने वाला है। और कैंडिडेट जो है 1 ईयर का होगा, स्टेप आपका जो रखा गया है कोपा पेंटर प्लम्बर वेल्डर की है 7,700 है और अदर ट्रेड के लिए 8,000 आपका है। इसके अलावा और कुछ इसमें आपको इंटायर पीरियड में नहीं मिलने वाला। अप्लाई करने का rac.gov.in है यहाँ पे, और इसको 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको क्लोज करना है। तो इतना ही है इसमें बेसिकली, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें आपका दिया नहीं गया है। और इसमें जो आपका परसेंटेज जो दिया गया है बेसिकली, वो CGA पे कन्वर्टेशन आपका किया जाएगा उसके अनुसार वो आपको देंगे इसमें। और दूसरा जो है आपका ये है आपका HSRC में, HSSC इसको बोलते हैं उसमें आपका, और इसमें भी आपका जो है वो दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से अवेलेबल है। तो इसमें अलग अलग है, इसमें कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, इसमें 21 पोस्ट जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका डिटेल आप देख लें। इसमें बेसिकली हाई थोड़ी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसके अनुसार अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपके जैसे कि CCC ओ लेवल वगैरह नहीं मांगा गया, बेसिकली ITI मैट्रिक्स वगैरह इसमें मांगा गया, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको लिंक दे दे रहा हूँ, इसकी वेबसाइट पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जरूर अप्लाई करें जो भी हैं, जो कि यहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल हैं। इसको किस प्रकार से करना है, ये आपका लिंक्स है, ईमेल है और आपका मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, पासवर्ड देख लें किस प्रकार से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया पहला जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल, और एक आपका मिनिमम 8 से 15 तक का रहेगा डिजिट, और एक अल्फाबेट आपका जो भी है वो रहेगा, जो कि सिंबल है आपका रहेगा, और ये कैप्चर डाल के रजिस्टर्ड कर दें। उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे जाके लॉग इन करें। लॉगिन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, बस इतना आपको कर देना है। फीस आपकी इसमें नहीं लगेगी, तो इतना आपको इस फॉर्म में करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये दिया गया, इस पर अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसमें मेल या मैसेज कर सकते हैं।